थिंक मैं क्या कहूँ, जैसे हमारा सौभाग्य है कि हमें इस तरह से ईश्वर ने, श्री राम ने सद्बुद्धि दी है कि हम आए और उनके दर्शन करें, तो कुछ ऐसे भी हैं जिनको दुर्बुद्धि दी है कि वो उनके दरबार में ना आए, उनको उनके दर्शन ना मिले। बॉलीवुड की क्वीन कंगना को हमेशा से बेबाकी से अपनी बात कहने के लिए जाना जाता है। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जोर शोर से मनाया जा रहा है। करोड़ों लोग अयोध्या पहुंचकर इसके साक्षी बन रहे हैं और जो लोग नहीं जा पा रहे हैं वे अपने घर और अपने शहर से ही इसके हिस्सेदार बन रहे हैं। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी को भी आमंत्रित किया गया है। कंगना रनौत भी इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मुंबई से अयोध्या आई हैं और अपनी खुशी का इजहार कर रही हैं। उन्होंने कहा, ये हमारा सौभाग्य ही है जो प्रभु श्री राम ने हमें सद्बुद्धि दी है और हमें उनके दर्शन करने का मौका मिल रहा है। देखिए, अयोध्या धाम के जो दर्शन जिन्हें होते हैं वो बहुत ही ज्यादा एक पुण्य कमाते हैं। तो हमारा जो सबसे बड़ा धाम है, जैसे कि वर्ल्ड में वेटिकन सिटी का जो महत्व है वो अब अयोध्या धाम का है हमारे लिए। बहुत राजनीति हो रही है, बहुत से लोग हैं जिनको इनवाइट मिला है पर वो आने से मना कर रहे हैं। आई थिंक मैं क्या कहूँ, जैसे हमारा सौभाग्य है कि हमें इस तरह से ईश्वर ने, श्री राम ने सद्बुद्धि दी है कि हम आए और उनके दर्शन करें, तो कुछ ऐसे भी हैं जिनको दुर्बुद्धि दी है कि वो उनके दरबार में ना आए, उनको उनके दर्शन ना मिले। MIM चीफ का कहना है कि बाबरी मस्जिद में अब तक जो है नमाज होती थी लेकिन मेजॉरिटी वोट के चक्कर में ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, जो अब चली गई, जिसे कहते हैं ना, जो बीत गई सो बात गई, अब वो चली गई वो बात। सत्य ये है कि जो सनातन है वो सत्य है। कई हजार साल पहले यहाँ पे श्री राम राज्य था, लेकिन राम जो है उनका किरदार, उनका चरित्र जो है वो आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में जीवंत है, वो जिंदा है हर हिंदुस्तानी के दिल में। और उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 को, तो स्वयं श्री राम जो हैं वो अपने दर्शन देंगे और हमारे मंदिर में हमें ये सौभाग्य होगा कि राम मंदिर में आके वो विराजेंगे और फिर से राम राज्य का जो है वो पुनर्निर्माण, पुनर्जन्म होगा। आप MP हरदेव सिंह कह रहे हैं कि मुझे बाकियों की परवाह नहीं पर मैं तो जाऊंगा। जिस चीज को सुबुद्धि श्री राम देंगे, जिस चीज को वो चाहते हैं कि मेरे दरबार में आए, उनको ऐसी सुबुद्धि मिलेगी कि वो आएंगे। धन्यवाद, जय श्री राम। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने इसकी फोटो शेयर कर प्रतिमा बनाने वाले की भी तारीफ की है। कंगना ने इंस्टाग्राम पर रामलला की कई तस्वीरें शेयर की और लिखा, मैंने सोचा था कि राम की मूर्ति मुझे एक युवा की तरह दिखाएगी, हालांकि मैं राम की कल्पना कर रही थी, मूर्ति उसी तरह बनाई गई है। कंगना ने एक अन्य पोस्ट में लिखा, ये मूर्ति कितनी सुंदर और मनमोहक है, मूर्ति बनाने के लिए अरुण योगीराज पर कितना दबाव होगा, ये राम की कृपा ही है कि पत्थर खुद ही भगवान बन गए, अरुण योगीराज को दर्शन दिए होंगे श्री राम ने, आप धन्य हैं। अरुण मूल रूप से मैसूर के रहने वाले हैं। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।